नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं एक फार्मर के यहाँ जिनके प्लॉट पर लगा हुआ फूलगोभी की खेती हुई है, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पान सीड्स के प्रतिनिधि, एंड वो उसके बारे में और डिटेल्स हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार भैया, मैं पवन कुमार सिंह, अंबिकापुर से पान सीड कंपनी की तरफ से। आइए भैया, आइए आप। आज हम लोग का इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य था, यहाँ हमारा पान शीतल गोभी लगा हुआ है, और इस प्लाट में आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोगों को ये वेरायटी दिखाया जाए कि ये वेरायटी में आप लोगों को लगाने पर क्या फ़ायदा आपको दिखा है, और अन्य वेरायटियाँ लगा रहे हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो भैया मिलन समझदार जी हैं, गांव का नाम गणेशपुर, इनके यहाँ हमारा पान सीड कंपनी का शीतल गोभी लगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं, और भैया से बात करते हैं और भैया बताएंगे कि वैरायटी इनको लगा कहाँ से मिला और लगाने में इनको क्या क्या दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा इनको फ़ायदा मिल रहा है, भैया बताएंगे। ठीक है, नमस्ते भैया जी। भैया आपका शुभ नाम क्या है भैया? मिलन समद्दर। गांव का नाम? गणेशपुर। गणेशपुर, थोड़ा ये अपनी वैरायटी पान शीतल के बारे में थोड़ा सा हमारे सभी फार्मरों को बताइए कि आपने इस वैरायटी कहाँ से ली थी, आपको जानकारी कैसे हुआ कि ये वैरायटी अच्छी है, और फिर लगाए तो क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हमारे सभी। इसको मैं 2-4 साल से लगा रहा हूँ। अच्छा, 2-4 साल से? हाँ, 2-4 साल से लगा रहा हूँ, तो हमेशा इसका वैरायटी जो है यहाँ का जितने लगते हैं उनसे बेहतरीन लगता है। हाँ, मार्केट में जाएंगे तो इनका ऊपर 4-5 रुपये किलो में ऊपर बिकता है मंडी में। हाँ, अन्य वैरायटियों की अपेक्षा ये रेट अच्छा देता है। इसका मतलब इसका खास वजह क्या है, नहीं जो फूल है ना ये पत्ते के नीचे रहते हैं, मतलब पूरा कवरेज रहता है, पत्तियों से पूरा कवर रहता है जिसमें व्हाइटनेस बना है। मतलब इसका जो वैरायटी जो रहता है ना ये लाल नहीं होते, कलर खराब नहीं होता एकदम, मतलब इसको मार्केट में लेकर निकलेंगे तो एकदम मतलब सबसे ऊंचा रेट में बिकता है। ये पत्ता के नीचे से खिलता नहीं, पत्ता का अंदर जो रहता है, इसीलिए वैरायटी इतना बेहतरीन है जो मार्केट में लेने से किसान को 2-4 रुपये ज्यादा फायदा मिलता है मंडी में। जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइटनेस है भैया के हाथ में है, जो गोभी आप देख रहे हैं वजन कितना हैवी आ रहा है, और उतना बड़ा होने के बाद भी पूरा कम्पैक्ट, करीब दो पूरी तरह से कम्पैक्ट है, 2 किलो का लगभग। फार्मर अपने सुविधा के अनुसार जैसा उसको मार्केट में लग रहा है कि मार्केट में उसको देना चाहिए उस साइज में वो निकाल के अपना मार्केट में दे सकता है, बेच सकता है। जैसे हमारा ये फूल इतना कम्पैक्ट है, व्हाइटनेस है पूरा, मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है और वजन भी पकड़ रहा है। जैसे कि भैया के पास है जो वैरायटी आप देख सकते हैं, लगभग वो 2 किलो का वजन है, 2 किलो, और पूरी तरह से कम्पैक्ट है, ना कलर उसका डिसकलर हुआ है, एकदम व्हाइट, मिल्की व्हाइट है। तो हमारी वैरायटी मतलब यहाँ भैया के यहाँ दिल लगा है और बढ़िया रिजल्ट बता रहे हैं, और सभी फार्मर लोग सेटिस्फाई हैं इससे कि अच्छी वैरायटी, अच्छी वैरायटी। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर ये वैरायटी लगेगी आप लोग के यहाँ? लगेगी, अच्छा है तो बिल्कुल लगेगा। ठीक, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ वैरायटी कैसी है, अच्छी है, नहीं, तो अच्छा इस हिसाब से तो आप लोग नेक्स्ट ईयर आप लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।